यूँ तो प्रेगनेंसी का हर महीना खास होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिलाओं को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में ही आपको बताते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां महीना यानी कि शिशु के पैदा होने में कुछ ही समय बाकी रहता है और यही आखिरी समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाला भी। 8वां महीना बहुत ही नाजुक माना जाता है। महिला इस समय अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में होती है। इस समय बच्चे का आकार ऐसा होता है कि उसने अपने गर्भाशय को घेर रखा होता है और वो पहले की तरह पेट में उछल कूद नहीं कर सकता। इस समय उसके मूवमेंट पर पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर कम और ज़्यादा मूवमेंट हो तो डॉक्टर से जांच ज़रूर करवानी चाहिए। इसलिए इस महीने में खाने पीने, उठने बैठने, सोने तक हर तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान गर्भवती को क्या क्या समस्या होती हैं? इस महीने तक बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, इसलिए महिला को भारीपन महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यूरिन ब्लेडर पर प्रेशर पड़ता है, बार बार यूरिन आता है, सीने में जलन होती है, रात को नींद नहीं आती, कईयों को सांस लेने में परेशानी होती है। क्या करें क्या नहीं? 8वें महीने में पीठ में दर्द रहता है क्योंकि बच्चे का वजन भी कम हो जाता है। स्तनों के रिसाव होने लगता है। वजन बढ़ने पर फेफड़ों पर भी प्रेशर पड़ता है जिससे सांस फूलने की परेशानी होती है। ये सब लक्षण 8वें महीने में ही आता है। देर तक ना खड़े रहें। लेकिन वजन बढ़ जाता है, पेट और पेट पर बढ़ता जाता है, इससे आपके पीठ में काफ़ी दर्द हो सकता है। इसलिए ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पोजीशन चेंज करते रहें। इस समय आराम बहुत ज़रूरी है, पीठ के बल ना लेटें। इस समय आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पीठ के बल लेटना आपके लिए असहज होगा और बच्चे के लिए भी। पूरी नींद लें। इस समय आपके लिए कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। पूरी नींद न लेने से आप थकान महसूस करेंगे। तनाव और टेंशन से दूर रहें। इस समय आप जितना टेंशन और तनाव से दूर रहेंगे वो आपके और आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। वो ही करें जिससे आपको खुशी महसूस होती हो। 8वें महीने में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन भरपूर आहार खाएं। आप जितना हेल्दी आहार खाएंगे उतना ही माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा। एक बार में ही भरपेट खाने की जगह आप थोड़ी मात्रा में कई बार खाएं, इससे एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। सुबह शाम आधे घंटे घूमने से शरीर में रक्त संचार ठीक रहेगा। इसके अलावा मनोदशा भी सुखद रहेगी और आप तनाव से दूर रहेंगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आपको किसी तरह का पेट में कसाव लग रहा है तो तुरंत जांच जरूर करवाएं। वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो या अन्य कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो साथ के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें और चेकअप करवाते रहें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।